और मैंने अपनी छोटी सी दुनिया बना लिया भाई। शायद मेरी आखिरी वीडियो, पता नहीं, तो देख लेना भाई। स्पाइसी और वाइट बुलवाएगा। अच्छा, लोगों से हम, ये क्या खुशबू आ रही है भाई। ये हमारे आमिर भाई हैं, उस्ताद हैं, ये बहुत टाइम के बाद मिले और ये मुझे एज अ गिफ्ट, क्योंकि हम इतने साल बाद मिले। अच्छा, हैरानगी की बात ये है कि आमिर को ये तक नहीं पता था कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। तो ही वॉज शॉक्ड और बहुत गुस्से में भी था, नाराज़ भी था कि मैंने बताया क्यों नहीं। तो मैं मिलने आ गया, तो काफ़ी देर बैठे गप्पे शप्पे मारे। अब बस क्योंकि ये एक्सपर्टाइज करते हैं, मुझे जितना परफ्यूम और अतर के बारे में थोड़ा बहुत जितनी नॉलेज है आमिर से, ये शुरू से आमिर के साथ ही रहे, इसी ने ये नशा चढ़वाया था अतर का, और अब ये इस लेवल तक पहुंच गया कि अपने परफ्यूम्स और अपने अतर खुद बनाता है दुनिया भर से अलग अलग चीजें मंगा कर। मतलब ये मिस के ये ट्रेजर है। अब देखो यार, अल्लाह अकबर। तो ये है, चलो ये मुलाकात थी, बाकी बातें हम कल सुबह करेंगे इंशाल्लाह। जो तुमने ले ली हो वैसी ही फ्रेगनेंस उसकी होगी जैसे तुम्हारे स्किन के ऊपर। नहीं, मेरे स्किन पर अलग थोड़ी सी स्लाइट चेंज होगी, तुम्हारे स्किन पर वही सेम परफ्यूम, आई गारंटी। या सेम परफ्यूम, सेम परफ्यूम, सेम वो परफ्यूम। बॉडी की हीट की वजह से। यार देखो, स्किन मिसाल में ऐसे दूंगा, इससे हर इंसान मतलब कुत्ते पाले होते हैं, ठीक है, बगैर देखे बाहर उसका मालिक आया होता है। एक 100 बंदों में 10, मतलब 50 बंदों में भी वो उसको सीधा उसके पास चलाएगा, उसको पहचान लेगा। क्यों? प्रेगनेंस है ना, उसके स्मेल करके। और भी तो लोग खड़े हुए हैं उनके पास, पहले यहाँ हुआ, कन्फ्यूज क्यों नहीं हुआ? कि उसकी वो सिर्फ जो उसके मालिक की जो प्रेगनेंस होती है अपनी स्किन की, वो सबसे अलग होगी, नो कंपैरिजन। इसीलिए वो स्लाइड जरा से भी जो है ना कन्फ्यूज नहीं होता, सीधा वहाँ चला जाता है। तो इससे ये प्रूव होता है कि हर इंसान की अपनी एक खास प्रेगनेंस होती है। क्या बात है, सुबह की शुरुआत हुई है, शुगर चेक किया, बीपी चेक किया, सब नॉर्मल है अल्हम्दुलिल्लाह। हम आए थे वेनू भाई के पास, वेनू भाई ने सब चेक किया है, कुछ दवाई ले रहे हैं, बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है। तो ऐसी हो रही है दिन की शुरुआत। यलो, लेट्स गेट स्टार्टेड, मिलता हूँ थोड़ी देर में। जिम जाने का टाइम हो गया, जिम के बाद काम के लिए निकलना है, तो बस जिम जाएंगे, काम करने निकलेंगे, फिर बात करेंगे। आज एक और भाई मुझे ज्वाइन कर रहा है फिर से, आप लोग पता कौन है, देखना है, देख लो 1 2 3। ये है भाई, यार इसका इंतजार था, आज फिर छुट्टी का दिन, भाई आ गया है, मेरा असाइनमेंट है, हम साथ जा रहे हैं दुबई की तरफ, बहुत बड़ा शूट है। वो शूट खत्म हो तो फिर हम कहीं जाकर बैठे, दो चार बातें करें, है ना। आज फिर से जाएंगे डेजर्ट में, गाड़ी बसाएंगे। नहीं भाई, 5 घंटों की, नहीं, आज हम कहीं किसी डेजर्ट में नहीं जा रहे, हम कहीं गाड़ी नहीं फंसाने जा रहे भाई। जा रहे मेरा, नहीं, मजे मजाक कर रहा हूँ। तो देखते हैं इंशाल्लाह, थोड़ा बहुत भी मौका मिलेगा, एडवेंचर तो करना ही है। अगर मेरा शूट, अगर मेरा असाइनमेंट मगरब से पहले खत्म हो जाता है तो विल गो समवेयर, एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर, 45 मिनट्स, 1 आवर मैक्सिमम। अगर लेट हो गए तो फिर आई हैव टू गो, बिकॉज मुझे जिस शूट के लिए जा रहा हूँ मुझे बैठ कर ये काम भी एडिट करना है। एनीवेज, देखते हैं दिन कैसे जाता है कैसे नहीं जाता। अभी रुके हुए, बस चाय का ऑर्डर किया है और सैंडविच ऑर्डर किया है, खाएंगे पिएंगे और निकलेंगे यहाँ से दुबई के लिए। ऑलरेडी शारजा दुबई के रोड पे, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बचपन से तेरी बात सुन रहा हूँ। नहीं, जब तेरी कोई नहीं सुनता था तब भी मैं तेरी सुनता था। यही बता रहे ना, ये कौन सा जगह है, मत प्ले करें। लिवान, लिवान क्या होता है? वो तो कम्युनिटी इन दुबई। क्या बात कर रहे हैं, लोग रह भी रहे हैं यार। वी कह रहे हैं यहाँ से राइट जाओ। हाँ। In 500 meters, keep left at the fork. Follow
Science for Al Ruwaya, E66. तो रोहिया में आ गया यार। अबे एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा, ये बहुत दूर है जगह यार, मतलब शारजा से ये इसने दिखाया 49 मिनट्स, वो भी रेड में। अब मैं जा कर रहा हूँ, मुझे अब तक तो समझ ही नहीं आ रहा। हम लोग अब कहाँ, देख अलेन रोड में। हाँ वही देखा ना, ये दोनों देखा ना। हाँ ये सिलिकॉन सेंट्रल पहुंच गए, पता नहीं कहाँ जा रहे। अच्छा यार प्रोडक्शन सिटी है ना, हाँ। तो वो तो दूर ही है ना। हाँ। वो तो एक्सपो सिटी के पास है ना। राइट पे वो आता है यूनिवर्सल मूवीज, उधर ही है। तूने वो बलोच के साथ फोटो लिया था ना, वो मलेशियन किताब वाला जो किताब दिया था। हाँ 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 हाँ, वही है ना प्रोडक्शन सिटी। अच्छा वो प्रोडक्शन सिटी है जहाँ वो होता है क्या, बिग बिग बैड वॉल्फ। बिग बैड वॉल्फ वही तो बलोच ना तुझे फोटो दिया था उसने। हाँ हाँ हाँ, मैं पहुंच गया हूँ, 3:30 हो रहे हैं, 4 बजे तक पहुंचना था, तो बस अभी आया हूँ। ये कैमरा निकाला है निकॉन का, और मैं क्या कहते हैं अब कैनन का कैमरा निकालूंगा, माइक्स निकालनी है, वीडियोस बनाने हैं, इंटरव्यूज हैं और पिक्चर्स भी लेनी है। तो बस 1 24 120 निकॉन Z9 एंड सेकेंड कैनन R3 2470। अल्हम्दुलिल्लाह शूट ख़त्म हुआ है, अभी अभी शूट ख़त्म हुआ और मैंने आके मगरब की नमाज़ पढ़ी है, और मगरब की नमाज़ पढ़ के फिर बस निकलने की तैयारी इंशाल्लाह। यहाँ से निकलेंगे, जो सोचा था कि डेजर्ट वेजर्ट जाएंगे या कहीं कुदरत की तरफ जाएंगे सलीम भाई के साथ, वो नहीं हो पाएगा क्योंकि लेट हो गए, बहुत लेट हो गए। सनसेट लेट हो गया भाई, ऐसे क्यों देख रहा है, क्या लुक दे रहा है मुझे यार। हाँ लेकिन बाईपास से ही जाएंगे, ट्रैफिक में फंसते फंसते पेट्रोल पम्प में कहीं रुकना है। सलीम भाई ने कुछ नहीं खाया आज, वो भूखे आए थे, मैंने तो फिर भी एक सैंडविच ले लिया था, 2 सैंडविच लिए थे मैंने, मुझे पता था मेरी बैंड बजने वाली है काम पर, तो इसलिए मैंने अपने खाने की तैयारी कर ली थी। अब बस यहाँ से निकलते हैं, फिर देखते हैं कहाँ रुकना है कहाँ नहीं रुकना, और फिर देखते हैं। ठीक है अभी निकलते हैं यहाँ से जल्दी से। सलीम लेट्स पैक अप यार। हम करते करते शारजा पहुंच गए, हम दुबई में कहीं भी नहीं रुके क्योंकि हमने एमिरेट्स रोड लिया ही नहीं, हम दूसरे रास्ते से अल खैल के रास्ते से होते हुए जैसे तैसे करके यहाँ पहुंच गए। यहाँ गाड़ी कहाँ रुकी है, बैंक से पैसे निकाल लें, फिर एक जगह जाना था लेकिन अब कोई इमरजेंसी आ गई है, फलत सी क्या होता है थोड़ी देर में बताता हूँ। इससे नहीं पिया जाता बेचारे से, एंटीबायोटिक। ठीक है चलो मैं इधर लेकर आता हूँ 6 डेज के लिए, 6 ml दिन में 2 दफा सुबह और शाम रात को। चलो थैंक यू मैडम, थैंक यू। चलो भाई सीन हो गया, मैं बताता हूँ, पहले हम कहीं रुके नहीं, हम सीधा सीधा शारजा आ गए, कुछ दवाइयाँ लिए और बस अब जा रहे हैं घर की तरफ। सीन कुछ ऐसा हुआ है कि हम दुबई से निकले और मुझे याद आया कि मुझे एक जगह जाना है, एक बंदे से मिलना है ज़रूरी, एक सॉर्ट ऑफ मीटिंग थी, मुझे किसी से मिलना था, ज़रूरी काम था। तो वी डिसाइडेड कि हम कहीं भी गाड़ी नहीं रोक रहे और मैप ऑन किया और मैं शारजा पहुंचा। शारजा पहुंचते हुए जब मतलब इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, 1.5-2 घंटे हम ट्रैफिक में थे, शारजा पहुंचते हुए ही मुझे घर से मैसेज आ गया कि हमदा की तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। तो सुबह भी लेकर गए थे, सुबह भी हमने कुछ गले के दर्द की उसकी दवाइयाँ ली थी, तो क्या उसको बुखार हो रहा था, उसको क्लिनिक लेकर चलते हैं। अब 8:15 बज रहे थे, 9 बजे फिर पता चला, मैंने फ़ोन किया क्लिनिक तो पता चला 9 बजे डॉक्टर उठ के चला जाएगा। अब क्लिनिक जाने में थोड़ा टाइम लगता है, क्लिनिक थोड़ा दूर है, तो और इस टाइम जो ट्रैफिक होता है तो 1.5-2 घंटा लग ही जाता है क्लिनिक पहुँचते पहुँचते, और मैं ऑलरेडी ट्रैफिक में हूँ शारजा दुबई के रोड में, जब तक मैं घर पहुँचता उसमें खुद ही 1.5-2 घंटा लगना था। बहरहाल वी एंडेड अप गोइंग टू अवर सेम फार्मेसी, वेनू भाई से मिले, वेनू भाई ने कहा यार
अब एक एंटीबायोटिक ले लें और ये दवाई ले लें, तो इंशाल्लाह देखते हैं 2 से 3 दिन में दवाई देंगे, इंशाल्लाह फर्क आ ही जाएगा, गले के दर्द की वजह से बुखार हो जाता है। बहरहाल मैंने फिर जाकर मैंने उस बंदे को मैसेज कर दिया कि मैं आज नहीं आ सकता, तो इंशाल्लाह मैं कल मिलता हूँ, तो कल परसों में उनसे मुलाकात होगी। उसके अलावा मैं घर आ गया और अब बस मैं घर जा रहा हूँ, सालम को ड्रॉप किया है, अब दवाइयाँ लेकर घर जाऊँगा। अब हम अभी सो रही है तो वो उठेगी, उसको फिर दवाइयाँ देंगे और मैं तब तक अपने एडिटिंग के लिए बैठ जाऊँगा। तो बस ये सब हो गया, चीज़ें जो है लास्ट मिनट में चेंज होती गई, ठीक है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 चीज़ हो गई। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग, और तो बस यही था आज का दिन, अहमद रमजान साइनिंग ऑफ, कल मिलते हैं इंशाल्लाह नए वीडियो पे नई कहानी के साथ, अंटिल देन टेक केयर, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मअ सलामा। चल भाई साइनिंग ऑफ फ्रॉम अहमद सकार। आज नवंबर का 22nd है, 4 दिन पहले मेरा बर्थडे था, मुझे पता भी नहीं, तूने बताया।